ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत। यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने मिर्जापुर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और विपक्ष की बौखलाहट की कलई खुलने वाली। एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने उनसे खास बात। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक आज पहुंचे हैं मिर्जापुर में चुनाव प्रचार के लिए। उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, 6 चरण का मतदान खत्म हो चुका है, अंतिम चरण से मतदान से पहले क्या कहना चाहें, क्या माहौल? सभी चरणों में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। परिणाम आएगा तो प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। मिर्जापुर जनपद में, मिर्जापुर मंडल में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। जिस ढंग से सड़कों पर सैलाब है, मैं कह सकता हूं कि यहां ऐतिहासिक विजय मिलने वाली है। जिस तरीके से विपक्षी वोट अखिलेश यादव के पास नहीं है, कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह से विपक्ष साफ है, जनता ने इन्हें नकार दिया है। वजह क्या मानते हैं आखिर इनका? जो इनकी शासन काल में कानून व्यवस्था इन्होंने पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर रखी थी, गुंडे माफिया मवाली समाजवादी पार्टी के गुंडे सत्ता पर हावी थे। आज प्रदेश में योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है और प्रदेश की जनता इसे महसूस कर रही है और बीजेपी को दोबारा सत्ता में ला रही है। बताइए, बुलडोजर कितने काम आ रहा है? देखिए, आपके ठीक पीछे ये बुलडोजर का एक पोस्टर भी लगा हुआ है। आप जानते हैं जितने माफिया हैं वो बुलडोजर से डरे हैं, जनता प्रसन्न है। ठीक है, तो ये थे ब्रजेश पाठक जो दावा कर रहे हैं कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, मिर्जापुर। तो ऐसे नेता आज आखिरी दिन पूरा जोर लगा रहे हैं। 7